हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ अपने चैनल पे आप लोगों के लिए एक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी, सिंपल तरीके से बनने वाली आलू सेम की सब्जी की रेसिपी आज मैं लेके आई हूँ। और आप सब लोग जानते हो कि सेम बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है, इसका पौधा भी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों के लिए पेन कम करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सेम। और इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर ले के अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। एक आलू कट कर दिया है, एक ऑनियन कट कर दिया है, एक टमाटो कट कर दिया है और 2 से 3 हरी मिर्ची कट कर दी है और फ्रेश धनिया कट कर दिया है थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले रखा है, आप अपने हिसाब से सब चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले गैस में एक पैन चढ़ा लेंगे और जैसे ही हमारा पैन हमें हीट देने लग जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने इसमें जख्या ऐड कर दिया है। आप जख्या की जगह में मस्टर्ड सीड ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें खड़ा धनिया ऐड कर दूँगी। आप खड़ा धनिया की जगह में जीरा ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खड़ा धनिया वैसे भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करना। और इसमें हम एक चीज़ आप नोटिस करना, इसमें हम धनिया पाउडर नहीं डालेंगे। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें कट किया हुआ ऑनियन डाल देंगे, उसको हल्का सा हम चलाएंगे और उसके बाद हम इसमें टमाटो डाल देंगे जिन्हें हमने रफली चॉप कर लिया था। और हल्का सा चलाने के बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। तो आप अपने स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें पोटैटो ऐड कर लेंगे, उनको भी थोड़ा सा हम हल्का सा चला लेंगे। और चलाने के बाद हम इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और 2 मिनट के बाद देखिए ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हम कट किया हुआ सेम इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके सारा ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए मैंने मिर्ची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और अब इसको हल्का सा चला दिया है। चलाने के बाद 10 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे और 10 मिनट बाद हम देखेंगे। तो ये देखिए हमारे आलू एकदम अच्छे से गल जाते हैं और सेम की सब्जी बनके एकदम रेडी हो जाती है। अब हम इसके ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे और सब्जी बनके एकदम रेडी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सेम की सब्जी कितनी जल्दी बन गई है एंड कितनी कम मसालों से बन गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। और सेम कितना हेल्दी होता है ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। सेम का तो पौधा ही जो है बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों के लिए। अगर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और इसके पत्तों को दिया जाए तो पेन में थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, सेम का गुण तो आप सब लोग जानते होंगे। तो देखिए सेम की सब्जी बनके एकदम रेडी हो गई है, कम मसालों के साथ हेल्दी एंड टेस्टी सब्जी बनके एकदम रेडी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखने में ही कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है एंड इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है। और इसको बनाने के लिए कुछ स्पेशल मसालों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए फ्रेंड्स, लुक वाइज ही कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो यकीनन खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे आप नान के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ कैसे भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आपके लिए लेके आती हूँ एक ऐसी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी। तब तक के लिए सब लोगों के लिए बाय बाय माई ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।